उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कलेक्ट्रेट सभागार में पहुंचे श्रम विभाग राज्य मंत्री सुनील भराला, जहां राज्य मंत्री ने श्रम विभाग के कर्मचारियों के साथ बैठक की। वहीं श्रम विभाग के कर्मचारियों की मंत्री के सामने ही भ्रष्टाचार की पोल खुल गई, जहां साल भर में 4 मजदूरों की मौत हुई है। लेकिन श्रम विभाग के कर्मचारियों ने 14 मृतकों को दर्शाकर अंत्योष्टि का पैसा और कर्मचारियों से निकलवा लिया। राज्य मंत्री ने श्रम अधिकारियों को जमकर लताड़ा। हापुड़ की घटना बहुत दुखद है। आज प्रातः मैं 7 बजे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पहुंचा था और मैंने वहां घायलों को देखा और जिस प्रकार से वो लोग जले हैं, कर्मचारी श्रमिक हमारे, वो बहुत ही दुखद है और दर्दनाक हादसा हुआ है। तो 90% वो जले हुए अभी अस्पताल में हैं। मैं महादेव जी से कामना ये करूँगा कि उनको स्वस्थ जल्दी कर दें। और दूसरा, आज हमने ये भी निर्णय लिया है, जो उस घटना में जो मौतें हुई हैं उन श्रमिकों की, हमने अपने विभाग से 1-1 लाख रुपए देने की आज घोषणा की है। उनको 1-1 लाख रुपए का सहयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा जो सरकार की छवि धूमिल करेंगे। साथ ही जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि सख्त कार्रवाई कब तक की जाती है और उसका कितना असर देखने को मिलता है। न्यूज डेस्क, अमरोहा टीवी।